हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार, जानदार और आपके काम की वीडियो। और यह वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है एनएस ओपन बोर्ड के 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप एनएस ओपन बोर्ड से 10वीं का एग्जाम देने वाले हो और सब्जेक्ट ले रखा है इकोनॉमिक्स यानी के अर्थशास्त्र, जिसका पेपर कोड है 214214, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को थ्योरी एग्जाम देने के साथ साथ देना होगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बनाकर। और इसके लिए आप लोगों को मैक्सिमम 20 मार्क्स दिए जाएंगे और इसको बनाकर अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाना कंपलसरी है। ऐसे बहुत सारे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट को इग्नोर करते हैं, इसको बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा नहीं करवाते और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो आप सभी बच्चे जो है अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बनाइए, सुंदर राइटिंग में बनाइए और इसके अंदर जो भी आप आंसर लिखें वो बिल्कुल एक्यूरेट और पिक्चर के साथ लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है खास इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, और वो ये कि आप सभी बच्चे जितना जल्दी हो सके अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बनाकर अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा दीजिए। क्योंकि पिछली बार के बच्चों ने ये गलती की थी कि भाई उन्होंने लास्ट टाइम का वेट किया था, और कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो है लास्ट डेट निकल जाने के बाद अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाया था। ऐसे में ऐसे तमाम बच्चों का ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी के टीएमए सबमिट नहीं हुआ था और उनको फेल कर दिया गया था। तो आप सभी बच्चे ऐसी गलती ना करें, जितनी जल्दी हो सके अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बनाइए और अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा दीजिए। अगर आप लोगों का स्टडी सेंटर अभी बंद है तो उसको आप बनाकर रख लीजिए, और जैसे ही आप लोगों का स्टडी सेंटर ओपन हो तुरंत आप उसको जमा करवा दें। तो अब आइए अब बात करते हैं आंसर की। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि एक असाइनमेंट के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन और आंसर दोनों ही प्रोवाइड करवाया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जब भी अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें तो उसको बनाते समय आप लोगों को बेहद सावधानी बरतनी होती है, प्रिकॉशन अपनाना होता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सही असाइनमेंट तैयार नहीं किया तो हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स ना मिले, अच्छी परसेंटेज ना मिले और आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर फेल भी कर दिया जाए। तो यहां पर हमने देखिए क्वेश्चन लिखा है, पहले ये रहा आपका क्वेश्चन, उसको उतार लीजिए, और ये रहा इसका आंसर। पहले हमने थोड़ा सा डेफिनेशन दिया है, उसके बाद पिक्चर का यूज किया है, और किसी भी क्वेश्चन को जब आप एक्सप्लेन करें उसका आंसर लिखें तो पिक्चर का यूज जरूर करें, या तो आप उसके अंदर पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं, ग्राफ का यूज कर सकते हैं, इमेज का यूज कर सकते हैं, 2D 3D 4D इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी पिक्चर, डायग्राम, पाई चार्ट का यूज जरूर करना है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो फिर आप लोगों के अच्छे खासे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये पिक्चर जो है आप लोगों को अपने असाइनमेंट में पेस्ट कर देनी है। आगे बढ़ते हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को अपने असाइनमेंट के टॉप में राइट हैंड साइड पर BN नंबर, जी हां BN सीरियल नंबर लिखना कंपलसरी है, और इसको अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आप लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके स्टडी सेंटर का BN नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7678696142। तो आंसर उतार लीजिए, और अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने, उतार लीजिए, और हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी ठीक पहले वाले की तरह ही सॉल्व किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, उसके बाद जो आपकी इमेज थी इस क्वेश्चन के सपोर्ट में हमने इस इमेज का यूज किया है, उसके बाद आगे कंक्लूजन लिखा है। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी को उसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है, पहले कुछ एक्सप्लेनेशन, फिर इमेज, फिर कंक्लूजन। और यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स,
तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों को इन बाकी के क्वेश्चनों के आंसर मैं पार्ट टू के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। और पार्ट टू लेने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाना होगा, और जैसे ही आप इस वीडियो में दिए गए टारगेट को पूरा करेंगे आप लोगों को इसका पार्ट टू बनाकर दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसे तमाम वो स्टूडेंट्स जो पार्ट टू का वेट नहीं करना चाहते और उनको अर्जेंट है 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चनों की, और बिल्कुल राइट आंसर के साथ अगर आप अपना टीएमए बनाना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7678696142, और इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए, और उसके बाद हम आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं, तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।